क्योंकि भक्त जो है वही भगवान की पूजा करता है। तो आप हनुमान जी को भगवान मानती हैं, तो जब भगवान हैं तो भक्त उनकी पूजा तो करेगा ही। अब भक्त तो स्त्री भी हो सकता है, भक्त तो पुरुष भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, माता भी हो सकता है, तो इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं है। कुछ लोग ये जो कहते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं इसलिए लड़कियों को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, तो थोड़ा सुन करके हंसी भी आती है कि क्या उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा अगर कन्या उनके सामने चली जाएगी। ये सब बातें कोई तात्पर्य नहीं रखती हैं। हनुमान जी भगवान हैं और भगवान की आराधना करने का भक्त को अधिकार है, तो आप हनुमान जी की पूजा करिए, कोई ऐसी शास्त्रीय बाधा तो नहीं है। सालग राम शिला के स्पर्श के लिए जरूर शास्त्रों में कहा गया है कि उनका स्पर्श स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। तो सालग राम शिला में तो हनुमान जी की प्रतिष्ठा होती नहीं है, उसमें तो भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा होती है। तो हनुमान जी की पूजा में आपको अधिकार है, आप बिना किसी हिचक के भगवान हनुमान की आराधना करिए।